उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, मगर स्वास्थ्य कर्मी सरकार की मंशा को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार के दिन मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो ब्लॉक पिनार क्षेत्र के उमरेठा गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाल और दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र तो बना मगर उसका फायदा ग्रामीणों को नहीं हुआ, साथ ही गांव में बने उप स्वास्थ्य केंद्र पर कोई भी स्वास्थ्य कर्मी तैनात नहीं है और न ही कोई स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पहुँचता है। स्वास्थ्य केंद्र की इमारत भी धीरे धीरे जर्जर अब होने लगी है, साथ ही परिसर में कोई सफाई व्यवस्था भी नहीं। ग्रामीण दूर दराज झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाने को मजबूर है। कई बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की गई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। शुक्रवार को एकत्रित ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र पर बदहाल व्यवस्थाओं पर कार्यवाही की मांग की। एकत्रित ग्रामीणों ने जल्द से जल्द उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की मांग की और बदहाल स्थिति में पड़े परिसर को ठीक कराने के लिए कहा। ग्रामीणों को गांव में ही उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा इलाज मिले, इसके लिए उन्होंने ये मांगे रखी थी। आपको क्या समस्या है? ये समस्या है कि यहाँ का जो हॉस्पिटल है काफी दिन से खंडाला पड़ा है, यहाँ के अधिकारी सुनते नहीं। जब भी ये बना हुआ है तब से कोई भी अधिकारी नहीं आया, अधिकारी नहीं आते, ना कोई डॉक्टर वगैरह आते, कोई नहीं आते। यहाँ की योगी सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है और सहयोग दे रही है, मगर अधिकारी वगैरह नहीं सुनते है, कोई ध्यान नहीं देते। यहाँ काफी दिन से ऐसा ही पड़ा है। आपने कहीं भी शिकायत करी थी? हमने क्या शिकायत करी, कोई शिकायत में कोई सुनते ही नहीं अधिकारी, कोई डॉक्टर वगैरह नहीं आते। यहाँ के गरीब लोग है ना, बहुत परेशान है। फिर तो काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, मुसीबत का सामना करना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है और यहाँ का साधन भी नहीं है।